तो हमने आपको पार लगा दिया। जिस दिन प्रभु हम तुम्हारे घाट आए तो तुम हमें भव सागर पार कर देना, सो हो गया हिसाब बराबर। अरे राम जी बोले, भैया हम तुम्हें, लेकिन एक बात और है, हमारा काम भी है 10 गुना देना। हम भाई कुछ तो देंगे। तो पिए ही पीसी जान निहारी, मन मुदिरी मन मुदिरी तारी। देखो धन्य वो धर्म पत्नी, जैसे भगवान देने के लिए देखने लगे तो तुरंत जानकी जी बोली, ये है ना मुदिरी, क्यों परेशान हो रहे तुरंत। अरे बोले नहीं 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 नहीं, तुम्हारी नहीं। बोले ऐसे कैसे नहीं, यह तो आपकी। उस हाथ नहीं तो इस हाथ है, तो आपकी दे दो। आज की माता जी होते तो राम जी कितनी उंगलियां थतोड़ते रहते, पर आज की माता जी न देती। कई बार ऐसा अवसर आता भी है कि पति कहते हैं कि तुम्हारे मायके की वो अंगूठी दे दो, हमारा काम बन जाएगा। तो देखो सीता जी ने तुरंत दी, आज की माता जी होती फेरे फेरे तुम्हें कहती तुम्हें निपटो और आ जाओ बन खा, और बड़ा शौक चलो तो ना बन जावे। क्यों वो ना देती अपने, वो ना देती। वो अगर देती, अगर पति को देती तो ऐसे ना देती कि ऐसे ना देती। ये तरीका भी चेंज होता है। कई माताएं घर में जब पति ज्यादा कह रहे थे घुसने में गई और ठोर के ले जा, लेकिन वो पत्नी हो सकती, धर्म पत्नी नहीं हो सकती। पत्नियां तो हर घर में है, पर धर्म पत्नियों की बड़ी कमी है। धर्म पत्नी वही है जो धर्म के साथ चले, अपने पति की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को रखे। आज केवट ने कि नाथ आज में का है ना पड़ी जाके कैसे महाराज दशरथ को मुख दिखाऊं। सुबह चुप के तभी पावन आए
ओ महाराज दशरथ बस राम राम राम। सुमंत ने आके जब बताया कि वो नहीं लौटे, वो बन चले गए हैं, तो वही महाराज ने हाय राम कहके और शरीर छोड़ दिया। आज वशिष्ठ जी ने सूचना भेजी तो ननिहाल में भरत जी थे अपने भाई शत्रुघ्न के साथ, वहां से आए, पता चला कि मेरी माता है, बड़ा दुख हुआ। तरह तरह की बातें अपनी माँ से की और वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि तुम राजपद भोगो। भरत जी ने कहा ना गुरुदेव, यदि मैंने राज भोगा तो लोग यही समझेंगे कि इसमें भरत की कोई चाल है। भरत जी कौशल्या जी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि माँ तुम्हें लगता होगा कि मेरी इसमें कुछ चाल है, मेरा कुछ इसमें षड्यंत्र है, तो जो गौ हत्या का पाप लगता हो वो मुझे लग जाए। यदि मेरे मन में एक भी इच्छा अगर राज्य को भोगने की हो, तरह तरह की सौगंधें खाते हैं और रोते थे। कहते हैं ना सूर्य एक ही उदय होता है, भैया ही राजा बनेंगे। आज लौटाने के लिए भरत जी चले, रास्ते में साध ने अपनी सेना लेकर लेकर जब हृदय से लगाया और देखा कि भैया रो रहे हैं, आगे का मार्ग बताया। जब भरत जी विचार करना, भगवान जब वन में थे तो भूदेवी माने पृथ्वी से कह रहे थे कि सुनो मेरा भाई आएगा अभी इसी रास्ते पर, एक कंकड़ नहीं लगना चाहिए उसे। तो भूदेवी बोली प्रभु आपके इतने कोमल चरण हैं कि एक कंकड़ से भय है आपको? बोले नहीं। तो बोली आपके भैया इतने कोमल हैं, भरत के चरण इतने कोमल हैं कि वो एक कंकड़ का की पीड़ा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। राम जी बोले नहीं, उसके चरण तो बहुत वज्र के समान है। तो भूदेवी बोली पर कंकड़ से समस्या क्या है? भगवान बोले अगर भरत के चरण में एक कंकड़ लग गया तो वो छाती पीट पीट कर रोएगा। भूदेवी बोली इतना इतनी पीड़ा होगी क्या आपके भरत को? बोले वो अपनी पीड़ा से दुखी नहीं होगा, भरत के चरण में जब एक कंकड़ लगेगा तो वो इसलिए रोएगा कि मेरे भैया को भी ऐसी पीड़ा हुई होगी, कितने कंकड़ों से पीड़ा हुई होगी। ये है राम और भरत का प्रेम। देखो समय बहुत कम है, कथा बहुत है, तो अब संक्षिप्त स्पर्श करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भरत जी गए और राम जी से तरह तरह से विनती की, पर राम जी ने एक ही बात कही कि कर्म मार्ग में पथ मत बदलना, जिस पे चले हो उसी पर। अंत में भरत जी ने भी स्वीकार किया, चलो ठीक है। तो राम जी ने खड़ाऊं दे दी। अच्छा खड़ाऊं क्यों दी? ध्यान रखना जिसकी चप्पलें जहां पड़ी होंगी लोग कथा सुन के अपनी चप्पलों के पास अपने आप पहुंच जाएंगे। चप्पलें नहीं आएंगी आपके पास, आप चप्पलों तक पहुंच जाओगे, सही है कि नहीं? भरत जी बोले इसलिए इनकी खड़ाऊं ले लो तो फिर ये कहां जाएंगे। भरत जी सिर्फ खड़ाऊं लगकर आए नंदी ग्राम गुफा में। भरत जैसा त्याग, राम जी तो बाध्य थे अपने पिता की आज्ञा में, पर भरत जी स्वतंत्र थे, वो चाहते तो राज कर भी सकते थे, लेकिन नंदी ग्राम गुफा में भैया जी खड़ाऊं लग के पूजा करने लगे। खड़ाऊं से आज्ञा लेके राज करते थे, पर रात्रि में शयन करने के लिए नंदी ग्राम गुफा में जाते थे। वलकल वस्त्र पहनकर भरत भी साथी पे सोते थे। एक दिन की बात है, कौशल्या जी बोली सुरत कीर्ति तू अभी जाग रही है, जा अपने पति के पास। बोले नहीं माता हम यही। अरे जा पति के पास। बोले पति कौन है घर में, कहाँ गया शत्रुघ्न? बोले वो तो उसी दिन से भरत जी की सेवा में है नंदीग्राम को था। ध्यान देना वहां लक्ष्मण राम की सेवा में, यहाँ भरत की सेवा में शत्रुघ्न। चारों भाइयों ने वनवास किया है, प्रेम ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए, तब रामराज जाता है। एक कष्ट भोग रहा है, तीन घर में आनंद कर रहे हैं, तो रामराज जी कहां से आएगा? वो नहीं आ सकता।
तो एक भजन हो जाए, क्योंकि भजन की डोज बहुत जरूरी है। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना कर लें कि केवट की नैया तो लगा दी, पारब हमारी भी लगा देना। Thank you.
कहती है राम जी से तुम विवाह कर लो। राम जी बोले देखो हमारी पत्नी है,
हम विवाह नहीं कर सकते। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं होती है लेकिन सुपनखा आ जाती है। बात बहुत समझने की है। हम लोग क्या करते हैं, अगर पत्नी अगर बगल में है तो सुपनखाओं से राधे राधे, अगर पत्नी साथ में नहीं है और सियावर रामचंद्र की है। बस यही तो गड़बड़ी है। हमेशा अपनी पत्नी को हृदय में रखिए, यही सोचिए पत्नी हमारे साथ है। और यदि तुमने ये विचार मन में बैठा लिया कि पत्नी हमारे साथ है तो सुपनखा तुम्हारी कभी नाक नहीं काट पाएगी, कटा के चली जाएगी। शिकागो संवाद देखिए स्वामी विवेकानंद जी का, वहां भी एक औरत आई थी, कहती है हम आपसे संतान चाहते हैं, आप जैसी संतान चाहते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जैसी मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, पर माता तुम हमें अपना पुत्र मान लो। तो चरणों में लेट गई थी कि धन्य है स्वामी जी आप धन्य है। तो सोचो विवेकानंद जी की नाक नहीं कटी पर विवेकानंद जी ने नाक काट दी। सबके जीवन में सुपनखाएं आती हैं, अब तुम्हारे हाथ में है कि नाक काटना है कि कटाना है। तो आज लक्ष्मण जी से कहती है, हाँ इनको डालो भैया फिर से, सुनो जी लगभग बोलो, सुनो जी लगभग आई करने लगे नजर ए नजर दे। लक्ष्मण जी थोड़ा थोड़ा भी देख लो, तुम्हारे भैया तो देखते हैं, उनकी तो पत्नी साथ में है पर तुम्हारी तो नहीं है। लक्ष्मण जी बोले उनकी पत्नी साथ में और हमारी पत्नी पास में, कहीं कोई ऐस नहीं है। कहती सुनो जी लगन आई करने लगन जर रे नजर दे, मुझे अपना दो साजना, मुझे अपना दो साजना, मुझे अपना दो जाके पहुंची भैया रावण
देखो तुम्हारी बहन की नाक कान कट गई। तो रावण ने मारीच को भेजा और मारीच हिरण बनकर आया, स्वर्ण का हिरण बन के आया। और यहां प्रभु श्री राम को जानकी जी ने भेजा कि हमें यही सोने का हिरण चाहिए। राम जी गए हिरण लाने के लिए और इधर रावण ने हरण कर लिया। अच्छा तो माता जानकी कौन है? हमारी बुद्धि स्वर्ण है, सोने का हिरण है माया। अगर जीवन में तुम माया के पीछे भागोगे तो तुम्हारी बुद्धि का हरण तो हो ही जाएगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए कभी माया के पीछे मत भागना, तुम्हारी बुद्धि का हरण कभी नहीं होगा। वो बुद्धि का हरण कौन करता है? तुम्हारा मन रूपी रावण, रावण वह हरण करता है। आज जब लौट कर देखा माता नहीं मिली, अब प्रभु बन बन में ढूंढने लगे। आज चलते चलते गए, अब देखना जब जानकी जी का हरण हुआ उस समय किसी ने सामर्थ्य नहीं जुटाई, लेकिन धन्य वो भारत की संस्कृति जहां एक पक्षी भी रावण से डरने की सामर्थ्य जुटाता है। बात सामर्थ्य की है। जटायु जी ने जब देखा कि रावण माता जानकी को लेके जा रहा है तो जटायु जी उठे, पंखों ने कहा काहे को जा रहे हो, बुढ़ापे का शरीर है, एक तो उड़ नहीं पाओगे, उड़ के पहुंच जाओगे सो मारे जाओगे। जटायु जी ने पंखों से कहा कि भैया हम इतना जानते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर मर भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, और यदि तुम हमारा साथ दोगे तो मैं दावे से कहता हूं कि तुम्हारी भी सदगति होगी। तो पंख बोले हमारी सदगति होगी? बोले हाँ, तुम सिर्फ हमारा साथ दे दो। पंखों ने साथ दिया, जटायु जी उड़ के गए। एक समय तो वो कि जब जटायु जी ने पंख का प्रहार किया, पक्षी के क्या कह रहे थे, काय को जा रहे मरने के लिए, अभी दशा हो जाएगी, पर जटायु जी नहीं माने। एक बार रावण को मूर्छित कर दिया। अगर जटायु जी चाहते तो मूर्छित पड़े रावण की 200 आंखों का ऑपरेशन कर देते। जटायु जी मूर्छित रावण के 200 आंखों का ऑपरेशन कर देते, पर जटायु जी कहते हमारी भारत की संस्कृति है मूर्छित शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता। धन्य महाराज जटायु। रावण ने कृपाण निकाली। कृपाण का अर्थ है कृपा ना, कृपा ना। तलवार एक तरफ से काटती है पर एक तरफ से कृपा कर देती है। तलवार एक तरफ से काटती है, एक तरफ से कृपा कर देती है, उधर से आप कटेंगे नहीं। पर कृपाण में दोनों तरफ धारें होती हैं। कृपाण कहती है कृपा ना, हम कृपा नहीं करेंगे, इधर आए तो कटे, इधर आए तो कटे। रावण ने कृपाण निकाली, पक्षी राज जटायु का पंख काट दिया। पंख कटा कहीं पड़ा, जटायु जी धराम से नीचे गिरे। अब आए हम तुम जैसे, बोले और चले जाओ, हमने पहले कहा था, आ गए दशा करा के ये पड़े। जटायु जी बोले ये बताओ, यदि हमारे पास पंख होते तो हम भगवान तक जाते। पंख हमारे साधन है, उस साधन के द्वारा हम मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारे पंख होते तो हम भगवान तक जाते, पर मैंने परहित का जो धर्म किया है, मुझे उस धर्म पर पूर्ण विश्वास है कि एक दिन भगवान स्वयं चल के हमला करेंगे। और पक्षी बोले देखेंगे, देखे लेते हैं आते हैं कि नहीं आते। आज भगवान ढूंढते हुए जटायु महाराज के पास पहुंचे, महात्मा जटायु के पास पहुंचे, और सबसे पहले पंखों को छुआ। जब भगवान ने पंखों को उठाया तो जटायु की आंखें भर आईं। देखो पंखों, मैंने कहा था कि तुम हमारा साथ दो, ये परहित का धर्म है, एक दिन भगवान आगे तुम्हारा स्पर्श करेंगे। आज पंखों तुम्हारा उद्धार हो गया। इसलिए कभी परहित की बात आए तो हम एक दूसरे का
साथ देना चाहिए। हम पंथों को भी भगवान एक ना एक दिन जरूर स्पर्श करेंगे, हमारी सदगति होगी। आज महाराज जटायु को भगवान ने गोदी में ले लिया। भगवान बोले, जटायु जी मेरे पिताजी तो स्वर्ग चले गए, तुम चाहो तो मेरे पिता का स्थान ग्रहण कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है, जो व्यक्ति परहित करेगा भगवान उसे पिता मानने को तैयार है। जटायु जी बोले, ना महाराज अब कोई इच्छा नहीं रह गई, सब पूर्ण हो गया। भगवान बोले, जटायु जी तो मांगो क्या चाहिए। जटायु जी बोले कि आपके पास देने के लिए क्या है। लक्ष्मण जी बोले, और चढ़ा लो ऊंट पे। वहां केवट को चरण भरवाए तो बोली से रहा था, यहां इन्हें गोदी में रख लो। तो ये कह रहे, तुम्हारे पास है क्या जो हमें दोगे, बताओ। इन्हें प्रभु को ये पता नहीं कि ये त्रिलोकीनाथ है, इनके पास क्या नहीं है। जटायु जी बोले, लक्ष्मण जी क्रोध ना करें, जब हम नीचे पड़े थे तो आपके भैया के पास सब कुछ था, लेकिन जब आपके भैया ने हमें गोद ले लिया तो अब भैया के पास बचा क्या है। बोलो सही बात है कि नहीं है। जब राम राजा सरकार ने गोद ले लिया तो सारी संपत्ति हमारी है, उनके पास है क्या। तो प्रभु अब सब कुछ तो दे दिया, अब कुछ क्यों दे रहे हो कि कुछ मांग लो। जब सभी कुछ दे दिया तो कुछ की बात काहे को कर रहे। महात्मा जटायु जी भगवान ने सर्ग दिया, अपना पार्षद बना के अपने धाम रख लिया। सिर्फ परहित सर्व धर्म में भाई, ये मत सोचिएगा हम लोग रोड पे एक्सीडेंट हो गया चुपके से भाग जाते हैं, वो भी भगवान की सेवा। आप कहेंगे, अरे महाराज पुलिस के में फंस जाएंगे। अरे तो जटायु ने तो ये नहीं सोचा था कि पंख कट जाएंगे, तो तुम इतना सोच रहे कि पुलिस में फंस जाएंगे। याद रखना, अगर पुलिस में भी फंस गए, 2 महीना की जेल भी निकालोगे, भगवान तुम्हारे रेडी हो जाएंगे, तुम्हारी जमानत कराने भगवान ही स्वयं जाएंगे, किसी भेष में पहुंच जाए पर जाएंगे जरूर। तुम परहित करके देख लेना बस भाई, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। आज हमारे प्रभु जटायु का उद्धार करते हुए आगे बढ़े, माता सबरी के आश्रम पहुंचे, जहां सबरी माता प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। यहां भी बहुत कथाएं हैं नवदा भक्ति में सुनाने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है। और मैं आप सबको अवगत करा दूं, ध्यान दीजिएगा, आपको यदि राम कथा का पूर्ण फल चाहिए तो आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी, आप लोगों को भी और आपको भी। यदि यज्ञ में पूर्ण आहुति आप ना दें तो यज्ञ आपका अधूरा होता है। बोलो सही है कि नहीं। यज्ञ की पूर्ण आहुति ना हो तो यज्ञ अधूरा है। वो यदि 7वें दिन की आपने कथा नहीं सुनी तो आपकी राम कथा अधूरी है। इसलिए कल ठीक 10:30 बजे आप सभी को यहाँ उपस्थित होना है, ताकि हम पूर्ण आहुति दे करके अपनी राम कथा का ये ज्ञान यज्ञ पूर्ण करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग ये राम कथा का यज्ञ पूर्ण अवश्य करेंगे। अपने लिए ना करें तो अपने मिश्रा जी के लिए करें। सब लोग आकर के 7वें दिन की ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आहुति डालें, ताकि ये राम कथा का यज्ञ पूर्ण हो जाए। सबरी माता को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया कि 9 प्रकार से उस दिन जो संत जी ने श्रवण कराया था, हमारे पास तो और कथाएं भी भरी है नवदा भक्ति की, अब लेकिन समय नहीं है। और सबरी माता के झूठे वेद खाकर प्रभु ने यह सिद्ध किया कि भगवान की दृष्टि में जाति पाति भेद नहीं है, भगवान की दृष्टि में सिर्फ प्रेम है। मानव एक भगति कर नाता, भगवान सिर्फ एक भक्ति का नाता मानते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। तो कल की कथा श्रवण करेंगे आप लोग,
हनुमान जी महाराज थे। भगवान ढूंढते ढूंढते सबरी माता ने बताया पंपापुर जाइए और सुग्रीव जो बाली की दशा में बैठा हुआ है हनुमान जी महाराज को देखता है। विचार करना हनुमान जी महाराज ग्यारहवां रुद्र किनके हैं बोलो, शंकर जी के है कि नहीं है। अच्छा और शत्रुघ्न लाल जी किनके अवतार हैं, शंकर जी के। पर ये दो दो कैसे, आप लोग ध्यान देना, शिव जी के दो अवतार शत्रुघ्न लाल जी और हनुमान जी, ये दो कैसे, ये ऐसे। जब श्री राम प्रभु ने कहा कि अब हम राम अवतार लेंगे उसमें आपको हमारा छोटा भाई बनना है, शिव जी बोले हम तैयार हैं। फिर आगे जो स्क्रिप्ट बताई जिसमें हमारा वनगमन होगा और वनगमन में तो शंकर जी बोले हम भी जाएंगे वनगमन में, राम जी बोले तुम नहीं जाओगे लक्ष्मण जी जाएंगे, तो बोले फिर हम, बोले तुम वही रहोगे अयोध्या में, शंकर जी बोले तो हम नहीं दे रहे साथ, हम साथ नहीं देंगे, तो फिर बोले हमें अपने साथ रखो, राम जी बोले अब तो वो लिख ही चुकी है वो तो ऐसा ही होगा, शिव जी बोले तो हमें शत्रुघ्न ही नहीं बनना, लो अब करो क्या करते हो, अब जैसे खोने का कोई डर नहीं तो वो क्यों डरेगा, रामचंद्र जी बोले दीन बन अब एक काम करो, अब शत्रुघ्न तो तुम्हें बनना है ही है, तुम शत्रुघ्न बन जाओगे दसवें रुद्र से, और जहां शत्रुघ्न लाल जी छूटेंगे वही ग्यारहवें रुद्र से हनुमान जी बन के तुम फिर मिल जाना, सो अंत तक रहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज आए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो प्रणाम किया, आप राम जी मुस्कुराने लगे, बोले मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम भ्राता लक्ष्मण। हनुमान जी बोले आप बोल नहीं सकते, तो रामचंद्र जी बोले तुम हनुमान भी नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते क्योंकि ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी आए थे, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले आप क्षत्रिय नहीं हो सकते, हो गई कहे, बोले कैसे, हनुमान जी बोले कि यदि आप क्षत्रिय होते तो एक ब्राह्मण से प्रणाम कभी ना करवाते, क्योंकि ब्राह्मण बने हनुमान जी ने प्रणाम किया कभी ना कराते। राम जी बोले बात तो सही है, हमने भाई प्रणाम तो कराया है, वो ये सोच के कि हम भगवान हो तो हमारे हनुमान भक्त इसलिए कराया है। तो फिर सुनो, राम जी बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, हनुमान जी बोले हम क्यों नहीं हो सकते, बोले क्योंकि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम करता भी नहीं है। दोनों मुस्कुराए और बोले चलिए, रामचंद्र जी बोले कहां बैठा लोगे, बोले कंधों पे लिए दो जन पीठ चढ़ाई, कंधों पे बैठो, भगवान बोले हम कंधों पे तो बैठ जाएंगे, यदि हम रास्ते में गिर गए तो, हनुमान जी बोले कि कंधों पे बैठ जाओ गिरने का डर लगे तो मेरा सिर पकड़ लेना, भगवान बोले ठीक है तुम्हारा सिर पकड़ लेंगे हम तो सुरक्षित हो जाएंगे, यदि हनुमान जी तुम गिर गए तो, हनुमान जी बोले भगवान त्रिलोकीनाथ जिसका सर पकड़ लें वो कभी गिर सकता ही नहीं है, इसलिए हमेशा भगवान को आरूढ़ करो, भगवान की कृपा पात्र तुम्हारे ऊपर बना रहे, कभी नहीं गिर सकते दुनिया में, कभी नहीं गिर सकते, भगवान के भक्तों का पतन कभी नहीं हुआ। पहुंचे सुग्रीव से कृपा कर और बाली का वध, अब संक्षिप्त कथा करनी पड़ेगी, नहीं तो कथा तो है बहुत, लेकिन एक कथा और छोटी सी बता दे क्योंकि उसमें ज्ञान बहुत छुपा। सुग्रीव बोले तो बाली से युद्ध करने जाए, भगवान बोले जाओ हम छुपके से मार देंगे परेशान ना हो, तो अरे भैया अभी मार झाड़ रुक जाओ, तो सुग्रीव गए, सुग्रीव गए बाली से युद्ध के लिए यही आशा लेके कि भगवान हमें बचा लेंगे और बाली को मार देंगे, और बाली ने इतनी गई मार तो सुग्रीव रोते भागते आए, बोले काय प्रभु पिटवाने के लिए भेजा था,
पहले ही बता देते हम ना जाते। भगवान बोले भाई देखो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन है सुग्रीव कौन है बाली। हमने तो एक बार तुम्हारे प्राण बचा दिए, बाली समझ के हम बाण ठोक देते तुम्हें में लगता तो मर जाते। तो बोले फिर क्या करना। बोले एक माला पहनो पहले हमारी। जब भगवान ने एक बार ध्यान से सुनो आप लोग, जब माला भगवान ने एक पहना दी तब बाली को मारा। उस माला के पीछे का कारण क्या है? क्या भगवान ये नहीं जानते कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है? भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब तुम हमारी माला रूपी कंठी पहन लोगे उसी दिन से हम तुम्हें बचाएंगे, इसके पहले नहीं बचाएंगे। जिस दिन भगवान का तिलक तुम्हारे माथे पे आ जाए और गले में कंठी आ जाए तो तुम्हारे कितने भी विकार रूपी बाली होंगे भगवान सब कवर कर देते हैं, तुम्हें बचा लेते। राम कथा के को अब सुग्रीव को क्या, सुग्रीव तो पाके और 3 महीना भूल गया। जब लक्ष्मण जी ने ललकारा अब राम जी क्यों नहीं आए? वहां तो राम जी ने कहा था ना लक्ष्मण, ना लक्ष्मण रुक जाओ धैर्य धारण करो। आज राम जी कहते हैं नहीं लक्ष्मण तुम्हारा काम है। क्रोध भी सही है पर कारण सही हो। जो क्रोध काम बनाए वो सही है। आज लक्ष्मण जी ने जाके ललकारा सुग्रीव और सब वानर इकट्ठे होकर के और माता जानकी की खोज के लिए निकले। अब एक सुंदरकांड की विशेषता आपको बता दें। मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। सुंदरकांड के पहले कौन सा कांड है बताओ? कौन सा कांड है, किसके साथ? हाँ, और किष्किंधा कांड के आगे सुंदरकांड और सुंदरकांड के आगे है लंका कांड। यानी सुंदरकांड के पहले किष्किंधा और सुंदरकांड के आगे है लंका कांड। अच्छा, इनकी विशेषता क्या है? किष्किंधा कांड वो है जिसमें विचार किया जाता है, काम नहीं किया जाता। प्रमाण, जब सुग्रीव से पूछा कि तुमने यहां किसी का हरण देखा, बोले देखा। विचार करना, देखा। क्या कहते? मंत्रण सहित बैठे एक बारा और बैठे गांव में कड़क बिचारा। लक्ष्मण जी बोले तो तुम विचार ही करते हो, तो काम नहीं किया तुमने। तो जो व्यक्ति विचार करता है पर काम नहीं करता वो किष्किंधा कांड उसका जीवन बन जाता है। अब चलो सुंदर कांड के आगे, तो वो कहते हैं कहूं कवन भय कहीं विचारा। काय के लाने विचार कर रहे? रावण से कहते हैं मंत्रीगण काय को विचार कर रहे हो? नल कपि भालू आहार हमारा। देखो लंका कांड की विशेषता है कि यहाँ काम तो किया जाता है पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, काय को विचार कर रहे हैं कि वो सेने आ रहे हैं, वानर सेना आ रही है, नल कपि भालू आहार हमारा। रावण बोले नल कपि भालू का आहार हमारा। जिस दिन वो हनुमान आके पूरी लंका जला गया उस दिन तुम्हारा पेट खराब था क्या? नर का विघाल का हार हमारा। तो ये है लंका कांड की विशेषता। सुंदर कांड की क्या है? कि यह विधि करत सफेन विचारी और आयसु संपत्ति देव सुन खड़ा। देखो हनुमान जी महाराज की विशेषता, विचारा और तुरंत आगे बढ़ गए काम करने के लिए। ये सुंदर कांड। तो यदि जीवन में विचार कर रहे हो काम नहीं कर रहे हो तो किष्किंधा कांड में जी रहे हो, तुम्हारा जीवन किष्किंधा कांड है। और यदि बिना विचारे कर रहे हो तो तुम्हारा जो जीवन है वो बनेगा लंका कांड। अब थोड़ी इधर खिसको थोड़ी उधर से खिसको, विचार करो तुरंत काम करो तो जीवन बनेगा सुंदर कांड। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बिना विचारे जो करे तो उसकी सुन लो, बिना विचारे जो काम करेगा उसकी स्थिति। एक गांव में
एक व्यक्ति के पास ऊंट था, तो वो ऊंट लेके जाते थे नगर में भ्रमण कराने के लिए। एक दिन ऊंट ने किसी कुशवाहा के कछुआरे में एक डगरा लगा था, सो मुंह डाल के खा लिया और खाया सो गले में फंस गया। ऊंट वाले ने नहीं देख पाया कि मेरे ऊंट ने ये खा लिया है और गले में फंस गया, लेकिन उस कुशवाहा उस माते ने देख लिया था किसने डगरा खाया है और वो गले में फंस गया। ऊंट वाला घर आया, दांत में हाथ फेरा, इतना बड़ा फोड़ा हमारे ऊंट को, इतना बड़ा फोड़ा हो गया, भगवान अब क्या किया जाए। दूसरे दिन गया, माते राम राम, निकलना वहीं से होता था, माते राम राम। माते बोले हाँ बताओ बताओ क्या है। बोले हमारे ऊंट को फोड़ा हो गया, कोई उपचार है? चिंता मत करो, माते बोले हमारे कछुआरे में एक मुगरिया माता है, सिर्फ तुम्हें नारियल और थोड़ी प्रसाद लाना, मुगलिया माता कष्ट निवारण करती है। तो बोले मतलब चीड़ फाड़? बोले कोई चीड़ फाड़ नहीं। कितने दिन इलाज चलेगा? बोले तुरंत आ रहा हूं। अरे बोले तो इससे अच्छा क्या नहीं है। माते पहुंचे, नारियल अगरबत्ती लगाई, मुगलिया के पैर छुए और माते ने उठा के मुगलिया एक मारी, ऊंट के गले में डंगरा फूट गया, ऊंट गुजर गया। देखो आराम, बोले मानकर गया माता का बड़ा गुण है इसमें। देखो हमारे ऊंट को थोड़ा मिट गया, ना चीड़ना फाड़ना चाहती कुछ नहीं। ऊंट वाले जय जयकार मुगलिया की, अब तो सुबह उठे जय हो मुगलिया माता, सब पे कृपा करना, मुगलिया माता के भक्त बन गए दाऊद। रात में है तो मुगलिया माता सबका भला करना। एक दिन ऊंट वाले दाऊ के मोहल्ले में दुकरिया को हुआ इतना बड़ा थोड़ा गले में, तो वो बोले दाऊ आप तो घूमते रहते हो, अगर हो कोई वैद्य डॉक्टर तो बताना। दाऊ बोले समझ लो मैं क्या, समझ लो मैं क्या, ऐसे कैसे समझ लेंगे दिया। अरे बोले मुगलिया माता तुमसे भी कृपा करे, चिंता मत करो। तो बोले ये तो बता दो खर्चा कैसा? कुछ नहीं, एक नारियल थोड़ा सा प्रसाद और दो अगरबत्ती। अच्छा कितने दिन? अरे कितने दिन नहीं, तुरंत आ रहा, कल हो जाए, कल बुधवार है, कल कल में। दाऊ वैसे मुगलिया चुपके से कछुआरे में से उठा लाए और लाल कपड़ा में लपेड़ के पहुंच गए दाऊ। आ जाओ समझे में मेरे, छोड़ धर के पाँव पड़ो माता निकल। तो जितनी घर में गाँव में रहती सब पे पाँव पड़वाने वाली माता। और बोले तो भजन सुनाओ सब जन, जब माता कृपा करें। सब गाँव गली मुगलिया माता कृपा करो हो माँ, मुझे भजन। हाँ बोले भाई कहाँ है? अब भाई का जो फोड़ा तो कर गया सात नौ को। तो बोली बेटा सात नौ को है। बोले चौदह को बनवा ला तो कर गया, सात मुंह को नहीं चौदह को भी हो, मुगलिया माता पे विश्वास होना चाहिए, मिट जाएगा। करो भाई ऐसो भाई बेटा लगे का। अरे बोले पता नहीं चलना बेटा, पंद्रह दिन ऐसा नहीं सोए, हाल सो जो। तुरंत सो जो, आराम ही इतना फास्ट है। भाई बोली तो ठीक है बेटा, जो कर दई पकड़ी मां दाऊ ने दो हाथ मुगलिया और फेंक के जब दे दे रुकैया की बिजली पे, घोड़ा तो मिटो तो मिटो, रुकैया ही मिट गई। भाई शांत बोले बोलो समझे ना, बोलो समझे दरबार की जय। बोले देखो आराम लग जाओ भाई, सुन गई वो लग जाओ आराम, पंद्रह दिन से नहीं सोई थी, देखो बस हो गई। अब भाई तो सो गए ही थे, भाई थोड़ी जगह दे रहे सौ तो समझे ने, अब ना बोली क्यों भाई, थोड़ी रात सो उतरे। सवेरे बारह बज गए पर भाई नहीं उठे,
ऐ बोले चलो सो दो, इतने दिन की जगी, दो चार दिन तो सोए। जब भाई बसान लगी तब समझ में बुलाओ पकड़ो दाऊ का, पकड़ो दाऊ का, काय दाऊ के उसमें बहुत जो इलाज है, बोले इलाज तो कायदे से हो। अब भाई कभी कभी रिएक्शन भी हो जाता है, कहीं नहीं दाऊ बता, दाऊ का जब पकड़ा, दाऊ बोले जब हम सही सही बताए हमारा उठना थोड़ा बहुत हो तो चीन मोबड़िया से बहुत मिटो तो हम नहीं जान पाए। तो बोले कीने बिताओ, बोले माते में, बोले माते घटा लो, माते कण के आए, तुमने कैसे ठीक किया था, बोले हम सही सही बताए, गांव वाले पंच राजाओ हमने कुछ नहीं, किसने डंगरा खाया था तो हमें पता था, किसने डंगरा खाया तो हमने वो मुगरिया मार के फोड़ा था। आ गई ना बात, बिना विचारे जो करे सो पास है पछताए, और काम बिगाड़े आपको जग में हो फंसाए, जो बिना विचारे काम करेगा उसका जीवन लंका का नहीं बनता है। इसलिए विचार करो फिर काम करो। आइए बढ़िया भजन अब कर लें, और कल की कथा में बहुत आनंद आएगा, थोड़ा आनंद नहीं, अभी तक का आनंद एक तरफ और कल का आनंद एक तरफ, क्योंकि कल सुंदरकांड की कथा होगी हनुमान जी की, कल हनुमान जी पे बोलेंगे, बहुत आनंद आएगा। अब सुनो, प्रसाद लेके सब लोग घर जाना, लेकिन इसके पहले जो भगवान का होगा वो तो नाचेगा, जो भगवान का होगा वो नाचेगा, और जो रावण के यहां से आए हो वो बैठे रहे, वो कृपा ना करें। अब पता चलेगा कि भगवान का कौन है और रावण का कौन है। आइए हम मस्ती में झूम करके भगवान के लिए थोड़ा नाचे। अरे वे सब उठेंगे, ये चिंता मत करो, शुरुआत एक से ही होती है, चार से नहीं होती। की यार मस्ती भरे और मस्ती Thank you.
कृष्ण भगवान के हो। झूठे रिश्ते Thank you.
Thank you.
सब क्यों रहा है? हमारे जो कैमरामैन है हम बहुत प्रसन्न हैं इनके स्वभाव से। आज इन्हें कहा था गुरु जी थोड़ा आनंद ना, अरे मेरा थोड़ा नहीं पूरा कुछ खोल देंगे, चिंता मत करना। तो तुम राजी? हाँ हाँ हम राजी। हाँ हाँ तुम राजी? हाँ हाँ हम राजी। हाँ हाँ आओ बोले सब राजी। तो तुम राजी? हाँ हाँ हम राजी। हाँ हाँ आओ बोले सब thank you.
Thank you.